नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ सुजीता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ में वेद मंत्रों की गूंज से वातावरण धर्ममय हो गया। कथा व्यास ने शिव महाप्राण की कथा सुनाई। रानीपुर बरियाबेर रोड स्थित प्राचीन भोले सिमधर मंदिर पर भगवान शिव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ तथा महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। बाहर से पधारे विद्वानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के लिए विधि विधान के साथ वैदिक कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। वेद मंत्रों की गूंज से नगर का वातावरण धर्ममय प्रतीत हो रहा है। वेदाचार्य लवकुश शास्त्री एवं मनोज कुमार शास्त्री ने आज दूसरे दिन भगवान शिव का जलाधिवास कार्यक्रम संपन्न कराया। शाम के समय कथा व्यास धर्मेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम ने शिव महापुराण की कथा का मार्मिक वर्णन करते हुए कहा कि भगवान की कथा सुनने से आत्मशुद्धि होती है। उन्होंने भगवान शिवलिंग की कथा, उत्पत्ति की कथा, भगवान शिव की भस्म का महत्व, बेलपत्र और नारद जी की मोक्ष की कथा सुनाई। शास्त्री ने 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की कथा सुनाई। कथा की समाप्ति पर परीक्षित के रूप में उपस्थित मुख्य यजमान श्रीमती साधना महीपति यादव, रामदेवी रवि यादव गरोठा ने महापुराण की आरती उतारी तथा प्रसाद वितरण कराया। इस अवसर पर रामरट महाराज, ओम प्रकाश गुप्ता, भैया जी पार्षद, प्रदीप गुप्ता, विनीत श्रोतीय, बद्री प्रसाद खांगर, गुड्डू राजा, मोहनी यादव, सागर यादव, राहुल मुखिया, स्नेहा यादव, राज यादव सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। रानीपुर से नरेश अग्रवाल के साथ नीरज खटीक की रिपोर्ट। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है, तेरी नजरों से मुझे जान मुझे पीना है, तेरी गलियों